हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए ब्लॉग पे मैं आप लोग को स्वागत कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज बहुत खुशी का मौका है, बहुत खुशी का आज दिन है कि मैं अपने नैहर के घर में आई हूँ। तो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझको कल भैया लोग गए थे लेने ट्रैक्टर से, तो वहीं मैं आई हूँ। यहाँ पे हमारे नैहर पे शादी है मेरे छोटे भैया का, तो वहीं मेरा पार्ट है गजुन बनने का। तो भैया लोग कल गए थे तो मैं आई हूँ। इधर देखिए, इधर बच्चा पार्टी सब मोबाइल देख रहा है बैठकर, और इधर मेरी भतीजी सब बैठी है और दीदी की बेटी बैठी है। इधर टीवी इन लोग देख रही है, सब कोई इंजॉय ही कर रहा है यहाँ पे। अंकित, चलो दोस्तों को बाय बाय बोलो। बाय। और कुछ बोलना है? नहीं। बोल दो। मैं बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? बोलो ना, बोलो बोलो कि मैं कहाँ आया हूँ, बता दो दोस्तों को। खड़ा होकर बताओ। भोकली आया। भोकली। हाँ बताओ, कहाँ आया है? भोकली। भोकली। इसको बोलना चाहिए कि मैं भोकली आया हूँ, मामा का गांव का नाम है भोकली। तो ये बोल रहा है कि मैं भोकली। क्या करने आया है मामा के घर बताओ? मामा जी के ब्याह है। मामा जी का ब्याह है, ये बोल रहा है कि मामा जी का ब्याह है इसीलिए आया है। मैं अभी छत में हूँ, मैं जा रही हूँ अभी नीचे देखती हूँ कि क्या क्या सब लोग कर रहा है। तब तक मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ। ये देखिए, मैं छत के ऊपर से नीचे आ रही हूँ। इधर मेरी भाभी खड़ी है, बड़ी भाभी। इधर मेरी माँ खाना खा रही है, और इधर मेरे भैया है। ये जो भाभी आप लोग को अभी मैं दिखा रही थी, उन्हीं का एक पति है। इधर देखिए, इधर जीजा जी बैठे हैं और ब्यूटी है। चलो दोस्तों को बाय बाय बोलो। नहीं बोलेगी। अब मैं आप लोगों को फाइनली चीज ये दिखा दे रही हूँ कि इधर गजुआ जी बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, और इधर दुल्हा जी हैं, बैठे हैं। देखिए क्या क्या खा रहे हैं गजुआ जी, क्या क्या खा रहे हैं। अंडा खा रहे हैं, आज अंडा खा रहे हैं, कल क्या खाइएगा? दही। कहीं जा रहे हैं शॉपिंग करने, शुभ चीज के लिए खा रहे हैं। शुभ चीज के लिए खा रहे हैं दही। ये मम्मी को लेकर और भाभी को लेकर बगहा जा रहे हैं, कुछ सामान खरीदना है तो वहीं बगहा जा रहे हैं। इधर देखिए, मैं दुल्हे राजा के रूम में आई हूँ, तो इधर फिर से मेरी दीदी यहाँ पे नहा कर आई है, और फिर आज भी चेहरा दिखाने से डर रही है। अब मैं उस दिन ब्लॉग बना रही थी तो उस समय भी नहीं अपना चेहरा दिखा रही थी, और इस समय भी नहीं चेहरा दिखा रही है, बहुत शर्मा रही है। हो सके तो लग रहा है कि शादी के दिन ही सज जाएगी, तो शादी के दिन ही अपना चेहरा दिखाएगी, लेकिन इससे पहले अपना चेहरा दिखा नहीं सकती है, एक गुप्त वाला चेहरा है। चलो बाय बाय बोल दो मेरे दोस्तों को। बाय, बोलिए बाय बाय। जाओ जाओ आप लोग, जाओ जाओ। फिर बोल दो बाय बाय, जाओ जाओ, बोल कर बाय। हमसे सुंदर है ना हमारी दीदी? अभी अभी चल ना, अभी ये सजी नहीं है लेकिन फिर भी सुंदर है। बड़ी दीदी अभी आई नहीं है, जब वो आ जाएगी तो मैं उसको भी दिखाऊंगी। उधर दुकान खुला है तो वहीं उसी का उद्घाटन हुआ है, तो इधर सब सिरनी बांट रहे हैं, मैं अभी लेने जा रही हूँ। हम लोग सिरनियाँ दी, रुकिए आगे चना मिट ले दी। एक ही हाथे में लेना पड़ रहा है सिरनी, क्योंकि मैं एक हाथ से ब्लॉग बना रही हूँ। आप लोग के लिए भी मैं सिरनी ले चुकी हूँ दोस्तों। प्रसादी। आ किसको किसको सिरनी खाना है, जल्दी से आ जाओ। और इधर देखिए, आ रुक जा, तो सिरनी जगह ले।
इधर मेरी भाभी है, मेरी बड़ी भाभी, छोटे भैया का शादी है, शादी है, और मेरी बड़ी भाभी है, जाओ सिरने खाने। और इधर मेरे भैया बैठे हैं, भैया बाय बाय बोल रहे हैं आप लोग को। किसको किसको सिरनी खाना है, ले लो थोड़ा थोड़ा, तो लो ना। इधर भारती है, चलो भारती बाय बाय बोल दो। ये मेरी जेठानी की बेटी है। खत्म हो गया, बहुत सब खा रहे हो, हटो। सब चेहरा पे लग गया सिरनी, सिरनी बहुत सा रखता है जी। तो दोस्तों शादी है, तो आज तो हल्दी का रस्म है, शाम को भैया का हल्दी लगेगा, कल माड़ो है, परसों शादी है, और चौथा रोज दुल्हने आएगी। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग पे आप लोग बने रहिएगा, जितना भी रस्म होगा मैं आप लोग को अपने ब्लॉग पे दिखाऊंगी। तो अगर मेरा ब्लॉग ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिए, और जो लोग पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।